अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 9th क्लास इंग्लिश का जो है पेपर पैटर्न तैयारी जो है वो कम वक्त में आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आप लोग साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके एम सी क्यूज़ का होता है। 19 नंबर की 19 एम सी क्यूज दी जाती हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करनी होती हैं बबल शीट में। तो इसमें 19 एम सी क्यूज़ में आप लोगों के 5 सिनोनियम्स होते हैं, 5 फॉर्म और वर्ब के लिहाज से एम सी क्यूज़ होती हैं, 4 आपके करेक्ट स्पेलिंग वाली एम सी क्यूज़ होती हैं, और 5 में आप लोगों ने ग्रामर के लिहाज से बताना होता है कि सेंटेंस जो है वो कौन सा है। तो एम सी क्यूज़ जो है आपके जो चैप्टर हैं बुक में उनकी एक्सरसाइज में सिनोनियम भी दिए हुए हैं, ग्रामर भी दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो ग्रामर की बुक है उसमें भी आपको जो है वर्ब और ग्रामर वाले जो है एमसीक्यूज दी हुई है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं गेस पेपर जो है एमसीक्यूज का वो शेयर करूँगा, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो एमसीक्यूज तो आप लोगों ने 19 नंबर की हर हाल में अच्छी तरह जो है वो करनी है। पास्ट पेपर जो है उनका भी आप सहारा लेकर एमसीक्यू जो है वो कर सकते हैं, तब भी आपके एमसीक्यू जो है वो 19 नंबर की हल हो जाएगी अगर आप पास्ट पेपर से करेंगे तब भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, ये क्वेश्चन आंसर होते हैं। आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं, और टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आंसर की तैयारी किस तरह करनी है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप समरी छोड़कर समरी समेत बल्कि तो आप 7 चैप्टर अगर आप पहले कर लें तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ट्रांसलेशन पैरा है। तो इसमें 8 नंबर का ये ट्रांसलेशन पैरा होता है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू जो कि चैप्टर में से आता है। तो 2 होते हैं, 2 करने होते हैं आप लोगों ने 4-4 नंबर के। तो इसमें चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7, 10 ये टोटल 6 चैप्टर दिए हुए हैं। अगर आप इन 6 चैप्टर में से किसी 4 के भी ट्रांसलेशन जो है अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी तैयारी किस तरह करनी है, शॉर्ट तैयारी, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 2 ही समरी हैं, आपने दोनों ही समरियाँ तैयार कर लेनी है। 5 नंबर की आपका जो है पेपर हल हो जाएगा। अगर आप जो है दोनों समरीज नहीं करना चाहते पहले, तो आपकी पहले जो वो होनी चाहिए कि मैंने दोनों ही समरियाँ जो है अच्छी तरह मुझे आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक समरी अच्छी तरह याद होती है तो वो फिर जो है वो रेफरेंस टू स्टैंजा की तरफ जो है वो मूव करेंगे, मतलब एक आपके ऊपर समरी आएगी पोएम में से, दूसरी पोएम में से स्टैंजा आएगा। तो आप लोग देखेंगे कि मेरी मतलब की समरी नहीं आई हुई लेकिन आपका मतलब का उसी समरी का जो आपने याद की होगी वो स्टैंजा आया हुआ होगा, तो आपने फिर स्टैंजा अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तरीका आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये 5 नंबर का आपका वर्ड सेंटेंस होते हैं, जुमले बनाने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 7, 9 की एक्सरसाइज में से जो जुमले दिए हुए हैं जस्ट वही जुमले भी कर लें तो आपके 5 जुमले जो हैं वो आराम से हो जाएंगे, आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 नंबर का लेटर होता है, और लेटर डायलॉग और स्टोरी में चॉइस होते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर लेटर जो है वो तैयार करते हैं तो 8 नंबर का आप लोगों का जो है वो लेटर होता है। पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 12वां, 10 हो तो 13वां। तो ये लेटर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। मल्टी लेटर भी एक मैंने जो है शेयर किया हुआ है, अगर वो देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन लेटर ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है पैसेज 10 नंबर का होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए हुए होते हैं। तो बहुत ही मतलब 10 नंबर आप यूँ समझें कि ये मुफ्त के होते हैं आपके पास, क्योंकि आंसर भी आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। तो इनको आप लोगों ने जो है लाजमी करना होता है, कोशिश करें सारे देख के जाएं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो सॉल्व
टू नाइन टेन कर लें, और अनसॉल्व जो है वो फोर फाइव और एट जो पैसेज है वो कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश। पांच नंबर के होते हैं, आठ दिए होते हैं, पांच जो है उनको आपने इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए आप लोगों की टेंसेस पर अच्छी कमांड हो तो फिर तो आप आराम से हल कर लेंगे, लेकिन अगर आपके टेंसेस पर कमांड नहीं है तो मैंने गैस में जो दिए हुए हैं बस आप लोग वही कर लें, या फिर आप पास पेपर वाले जो है उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि ग्रामर की बुक में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। उसके बाद चेंज वाइस, ये भी आठ होते हैं, पाँच करने होते हैं, पाँच नंबर के, ये भी आप गैस से कर सकते हैं, या फिर ये ग्रामर की बुक में बहुत कम दिए हुए हैं, 20 से 35 दिए हुए हैं, बस वही कर लें तो उनमें से जो है आपके पांच जो हैं वो आराम से जो है वो हल हो जाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो या वो एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर समरी, वर्ड सेंटेंस और ये जो फिक्रात हैं क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नाइन, ये अटैम्प्ट करके नंबर अच्छे ले सकते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम इससे भी शार्ट तैयारी करें, तो वो एमसीक्यूज 19 नंबर के, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के, पैसेज कम्प्रीहेंसिव जो है उसके क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के साथ समरी कर लें, आपका जो है तब भी पेपर जो है वो पास कर सकते हैं। साथ आप वर्ड सेंटेंस जिन चैप्टर्स के बताएं वो कर लें तब भी बेस्ट है। उसके अलावा चार चैप्टर के मैंने ट्रांसलेशन पैराग्राफ बताएं वो कर लें तो फिर और बेस्ट हो जाएगा। मींस कहने का मतलब ये है कि इनको अच्छी तरह कर लें, बाकी को आप देख के जाएं तो आपका पूरा पेपर जो है वो हल हो जाएगा अगर आप इस पैटर्न को जो है फॉलो करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है इंग्लिश का पेपर पैटर्न, तैयारी करने का तरीका था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी गैस पेपर जो है मैंने शेयर किया हुआ है तो वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह हर क्वेश्चन के अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन आंसर हो गए, हर चीज़ का अलग अलग से जो है वो मैं गैस बना दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को जो है थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इंग्लिश को तैयार करने में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।